पुणे से आज देश के कई शहरों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई, दोपहर तक स्टोर सेंटर में पहुंचेगी कोविशील्ड की दूसरी खेप। पुणे के सेरम इंस्टीट्यूट से 1,10,00,000 और हैदराबाद से भारत बायोटेक की 55,00,000 डोजेज होनी है रिलीज। आज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की सप्लाई शुरू। अब थोड़ी देर पहले कोवैक्सीन की पहली खेप हैदराबाद से दिल्ली पहुंची। थोड़ी देर पहले कोवैक्सीन की पहली खेप पहुंची रांची। जम्मू में दोपहर 1:30 बजे पहुंचेगी वैक्सीन। भोपाल, रांची जैसे शहरों में आज पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन। 14 जनवरी तक सभी जगह पर वैक्सीन पहुंचाने का लक्ष्य। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप आज पहुंची मुंबई। मेडिकल टीम ने किया रिसीव। यूपी के कोरोना वैक्सीन रखने के लिए बनाए गए 9 स्टोर्स, मध्यप्रदेश और गुजरात में 4 स्टोर्स का निर्माण। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में 200 रुपए में होगी कोविशील्ड के एक डोज की कीमत। पहले चरण में 1,10,00,000 डोजेज देगा सेरम इंस्टीट्यूट। 1,10,00,000 डोज के बाद 1,000 रुपए होगा कोविशील्ड का दाम। भारत और विदेशों में 50-50% होगी सप्लाई। स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण के मुताबिक 4 और कोरोना वैक्सीन पाइपलाइन में जीडस कैडिला, स्प्यूटनिक बायोलॉजिकल इवान और जिनीवा बायोफार्मा का ट्रायल जारी। भारत बायोटेक ब्राजील को भी सप्लाई करेगा कोवैक्सीन। साइन किया अग्रीमेंट। अयोध्या में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए तैयार की गई सूची में बरती गई लापरवाही। टीकाकरण वाली सूची में मृतक नर्स का भी नाम। वैक्सीन के लाभार्थियों के लिए तैयार की गई सूची में रिटायर्ड नर्स और डॉक्टर्स का भी नाम। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने दिए जांच के आदेश। सूरत में पतंगों के जरिए दिया जा रहा है संदेश, कोरोना को लेकर बरते सावधानी, खतरे से किया आगाह। मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान, 16 जनवरी से किया जाएगा वैक्सीनेशन। टीका किसे लगवाना है किसे नहीं, ये जनता की इच्छा पर निर्भर है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत, दिल्ली समेत कई राज्यों में पक्षियों की मौत जारी। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। देहरादून और कोटद्वार में पॉजिटिव मिले मृत पक्षियों के सैंपल। राजस्थान में फैला बर्ड फ्लू का संकट, जयपुर में चिड़ियाघर को बंद किया गया। भुवनेश्वर में दर्शकों के लिए बंद किया गया नंदन कानन चिड़ियाघर। बर्ड फ्लू को देखते हुए उठाया गया एहतियातन कदम। जम्मू कश्मीर में बर्ड फ्लू की दस्तक, पूरे राज्य में जारी किया गया अलर्ट। झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे में बर्ड फ्लू वायरस, 2,500 चूजे मरे। कड़कनाथ मुर्गे में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद झाबुआ में 825 चूजों को मारकर किया गया दफन। दफनाने के लिए जेसीबी ने खोदा गड्ढा। झाबुआ के इली फार्म हाउस में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने कड़कनाथ के 2,000 चूजों का दिया था ऑर्डर, लेकिन सप्लाई से पहले चूजों को मारा गया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, दीदी की पुलिस ने मुसलमानों को डराया, बीजेपी शासित प्रदेशों में सुरक्षित है मुसलमान। किसान आंदोलन का 49वां दिन आज। कल सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर अस्थायी तौर पर लगाई रोक। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बनाई 4 सदस्यों की कमेटी। 10 दिन के भीतर कमेटी को करनी होगी पहली बैठक। सरकार और किसान दोनों का पक्ष सुनेगी कमेटी। 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। किसानों ने कमेटी के सदस्यों पर जताया एतराज, कहा नहीं है बात करने का कोई फायदा। 15 जनवरी को अगली रणनीति पर मंथन करेंगे किसान। कई बार आ देश के अंदर ऐसे मसले आए आ जे कोई उन्होंने उपर कमेटियां बन दिया वा, कमेटियां जड़ियां लंबा फैसला ले जांदियां। कोर्ट से गठित 4 सदस्यीय कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, महाराष्ट्र कृषि अधिकारी के अध्यक्ष अनिल घनावत शामिल। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिजर्व इंस्टीट्यूट के दक्षिण एशिया के निदेशक प्रमोद कुमार जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी कमेटी में शामिल। किसानों का आरोप, कमेटी गठित कर सरकार मुद्दों से डिटेल करना चाहती है, कानून वापसी तक डटे रहने का ऐलान। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली को कांग्रेस का भी मिला समर्थन। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कोर्ट से गठित 4 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों पर जताई आशंका, सदस्यों के विरोधाभासी विचारों पर उठाए सवाल। एमओएस कैलाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई निराशा, का सरकार चाहती थी सभी कृषि कानून को लागू करना, लेकिन कमेटी के गठन का स्वागत। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया सवाल, कमेटी में महज 4 लोगों को आखिर कैसे पता चलेगा देश का किसान क्या चाहता है। योगेंद्र यादव ने किया ट्वीट, किसान कमेटी के बजाय किसी भी दिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बात करना पसंद करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के स्वतंत्र हैं किसान, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि परेड में डालेंगे बाधा। रांची में कांग्रेस ने बनाई 15 जनवरी को प्रदर्शन की रणनीति, कांग्रेस का समर्थन किसानों को हासिल, समर्थन के साथ महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का भी उठेगा मुद्दा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को जमकर लगाई लताड़, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्चुअल सत्र में दोनों पर जमकर बरसे। जयशंकर ने बिना नाम लिए दोनों देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और इसका बचाव करने का जिम्मेदार ठहरा। वी मस्ट नॉट काउंटेनेंस डबल स्टैंडर्ड्स इन दिस बैटल।
terrorists are terrorists. There is no good or bad distinction. विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक, पाकिस्तान के एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में जाने का मजबूत आधार, लेकिन चीन पर लगाया हर बार बचाने का आरोप। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीन पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा दोनों से एक साथ निपटने में सक्षम। आज मोदी कैबिनेट की बैठक सुबह 10:30 तय है वक्त। कर्नाटक में आज होगा येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार, 7 नए मंत्री बनाए जाने की संभावना। महाराष्ट्र में नए सामाजिक न्याय मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की बड़ी मुसीबत, एक गायिका ने मंत्री पर लगाया रेप का आरोप। अभिनेता सोनू सूद पर होटल में अवैध निर्माण कराने का आरोप, मामले की बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई आज। आज महाराष्ट्र के भंडारा जाएंगे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जिला अस्पताल का लेंगे जायजा। 9 जनवरी को अग्निकांड में गई थी 10 बच्चों की जान। कृषि कानून पर छिड़े घमासान के बीच गृहमंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। गृहमंत्री से मुलाकात पर बोले सीएम, हरियाणा बना हुआ है किसान आंदोलन का केंद्र, लिहाजा 26 जनवरी के उत्सव और कानून व्यवस्था पर की चर्चा। पश्चिम बंगाल की खाद्य और आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक का दावा, मई तक टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं 6 से 7 और सांसद। ओवैसी ने यूपी में कसी कमर, आजमगढ़ का किया दौरा, बनाया संकल्प मोर्चा। संकल्प मोर्चा में ओवैसी की पार्टी AIMIM, ओपी राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी समेत 8 छोटे दल शामिल। आजमगढ़ में ओवैसी ने अखिलेश यादव पर किया सीधा वार, कहा मुख्यमंत्री कहते अखिलेश ने मुझे 12 बार यूपी आने से रोका, 28 बार नहीं दी यूपी आने की इजाजत। ओवैसी ने ठोकी ताल, मुझे बीजेपी एजेंट बताने वाले गलत, कहा मैं राजनीति की ऐसी लैला हूं जिसके कई मजनू हैं। में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं, तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा इससे। ओवैसी पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार, यूपी में AIMIM की बढ़ती दखल को बताया बीजेपी का गेम प्लान। बीजेपी ने भी कहा यूपी में नहीं गलेगी ओवैसी की सियासी दाल। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, मोदी योगी की कर्मभूमि है यूपी, कोई दूसरा दल यहां नहीं बदल सकता राजनीतिक परिदृश्य। बिहार की राजधानी पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर से सनसनी, पटना एयरपोर्ट पर कार्यरत इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को अपराधियों ने गोली से भूना। एयरपोर्ट से वापस लौट रहे रुपेश पर बाइक सवार अपराधियों ने 6 राउंड फायरिंग की, हथियार लहराते हुए फरार हो गए। रुपेश हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने गठित की SIT, शुरुआती जांच में सुपारी किलर की भूमिका आई सामने। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में अपराधी ही चला रहे हैं सरकार। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने अपनी सरकार पर उठाए सवाल, कहा आपराधिक चरित्र नहीं होने के बावजूद रुपेश की हत्या चिंताजनक। गोरखपुर में VHF जुटा रही राम मंदिर निर्माण का पैसा, माइक पर अनाउंसमेंट करते हुए सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में घात लगाकर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला, IED धमाके में CAF के 2 जवान घायल, इलाज के लिए रायपुर लाया गया। मधुबनी में नरेंद्र ने दिव्यांग लड़की से दरिंदगी की हदें पार की, बलात्कार के बाद फोड़ दी दोनों आंखें। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत गंभीर, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मऊ में युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद 3 आरोपी फरार। बिहार में पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का फेसबुक अकाउंट हैक, पोस्ट की गई आपत्तिजनक तस्वीरें। इंदौर में डिप्टी रेंजर ने पुलिस से की मंत्री उषा ठाकुर समेत कई लोगों की शिकायत, सामान लूट ले जाने का आरोप। नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश गोली लगने से घायल, गिरफ्तारी पर लूट की स्कूटी बरामद। नोएडा से हुई हत्या के केस में 2 नाबालिग पकड़े गए, लूट के दौरान की थी हत्या। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगा प्लेसमेंट फेयर, बड़ी तादाद में ITI पास आउट बेरोजगार छात्रों ने लिया हिस्सा। कन्नड़ अभिनेत्री प्रणीता ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान किए, मंदिर बनने पर अयोध्या जाकर दर्शन करने की जताई इच्छा। I am able to travel at that point of time, but I can't wait for the temple to be ready and for me to visit the temple for darshan. अयोध्या में जनवरी के आखिरी सप्ताह में युद्ध स्तर पर शुरू हो सकता है राम मंदिर के निर्माण का कार्य। 1 जनवरी के बाद आएगी राम मंदिर निर्माण की नई ड्रॉइंग। जनवरी के 3rd सप्ताह में अयोध्या आने लगेंगे निर्माण एजेंसियों के वर्कर, ठहराने के लिए राम कार सेवा पुरम में तेजी से बनाए जा रहे हैं कमरे। कर्नाटक के शिवमोगा में किंग कोबरा के हमले की सिरा देने वाली तस्वीरें आई सामने, सांप पकड़ने आए एक्सपर्ट पर कोबरा ने पलटकर किया हमला। दिल्ली समेत 6 राज्यों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट, अगले 4 से 5 दिन तक मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दिल्ली यूपी और MP में घने कोहरे का अनुमान, पंजाब हरियाणा राजस्थान के कुछ हिस्सों में पड़ सकता है पाला। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गिरते तापमान के साथ शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ाई, कल 4.3 डिग्री दर्ज किया गया था न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, तेज हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसेंगे बादल।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। शुरू हुआ लद्दाख और चीन से लगने वाली सीमा की सड़कों पर बर्फ हटाने का काम। यातायात के लिए खोल दी गई डीवीओ रोड। बद्रीनाथ धाम में मौसम सुहाना। औली में बर्फबारी के बाद आईटीबीपी ने शुरू किया स्कीइंग प्रशिक्षण। प्रयागराज में बढ़ी कड़ाके की सर्दी, शीतलहर का प्रकोप। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जंगलों में आग, बिजली महादेव इलाके में जल रहा है जंगल। स्पेन में बर्फीले संकट का खतरा बरकरार। फिलोमेना तूफान की वजह से राजधानी मैड्रिड बर्फ की मोटी चादर से लिपटी। तूफान की वजह से कई जगहों पर फंस गई गाड़ियां। इसी तूफान संकट में 4 लोगों की मौत। कई जगहों पर रेस्क्यू टीम हालात पर काबू पाने में जुटी। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। तूफान की वजह से मैड्रिड में 20 इंच तक जमी है बर्फ। शहर में -10 डिग्री पहुंचा तापमान। तूफान के बाद एक तरफ स्थानीय लोगों पर आफत, दूसरी तरफ बर्फ की मस्ती करते हुए दिखाई दिए सैलानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लटकी महाभियोग की तलवार। डेमोक्रेट सांसदों के प्रस्ताव पर आज हो सकती है वोटिंग। महाभियोग प्रस्ताव से भड़के ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को दी चेतावनी। कहा, मैं हिंसा नहीं चाहता लेकिन बेहद गुस्से में है देश। डेमोक्रेट सांसदों ने 6 जनवरी को संसद में हुई हिंसा के लिए ट्रंप को बताया जिम्मेदार। उसी आरोप में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट ने ट्रंप और पेंस के कार्यकाल की समाप्ति की घोषणा की। एक असंतुष्ट कर्मचारी की हरकत। न्यूयॉर्क में सीसीटीवी में कैद हुई छोटे विमान हादसे की तस्वीर। हादसे में बाल बाल बचा पायलट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।